नीतीश कुमार, उसमें कोई अथी नहीं, बीन पे नहीं के लौटा, जिसका बाप माँ का कोई ठिकाने नहीं है, ऐसा है वो। बिहार में जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बस जनता को कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा। ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं, स्थायी सरकार होनी चाहिए, जो बार बार उलट फेर हो रहा है वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं, प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं। अब नेता लोग भी लिट्टी सेकने लगे हैं आम जनता के साथ। बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या देखेंगे? देखिए, इससे तो विकास स्थिर हो गया है ना, क्योंकि जब सरकार ही स्थिर नहीं है तो विकास क्या होगा। विकास करने के लिए सरकार स्थिर होना जरूरी है, सरकार को भी समझना चाहिए, कहीं भी रहे एक साइड रहे, ताकि तभी बिहार का विकास हो सकता है। ना तो फैक्ट्री अभी आया कोई वैसा बड़ा, ना कोई बिहार में ऐसा कोई काम हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो सरकार स्थिर होना जरूरी है। हाँ सर, शुभम बताइए। शुभम कुमार, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब अनप्रेडिक्टेबल क्या है, बिहार की राजनीति या बिहार के राजनीतिक? दोनों। हाँ दोनों। क्या सुनना? योगेंद्र यादव। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहें कुछ ही, सब कायदा ठीक नहीं है और क्या। मनोज कुमार। और क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो तो जैसे कुछ परिस्थिति बस चले गए होंगे, उनका अपना मजबूरी रहा होगा जाने का, कोई शौक से तो गए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर रहा होगा बस। सब पलटे वाला पलट गया, रहे वाला रह जाएगा। अच्छा, तब और क्या? तो कोई टिप्पणी मौजूदा हालात? कोई टिप्पणी नहीं, बीजेपी आएगा बस वही आएगा और कोई नहीं आएगा। पूछे ना उनसे, उनसे तो पूछे करेंगे, आप ना बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं, देख रहे हैं अभी पता है क्या हुआ बिहार में? हाँ हुआ है, नीतीश कुमार फिर से हैं? फिर से हैं नीतीश कुमार। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या बोले, बताइए कि अभी का जो मौजूदा हालात है उस पर क्या कहता है बिहार का युवा? मौजूदा हालात तो इसको मतलब ठीक ही नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बार बार अगर आप सरकार बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, गलती हम ही लोग का है कि हम लोग एक पार्टी को हम लोग बहुमत में नहीं ला रहे हैं, तो इस कारण से बिहार में ये स्थिति है। विकास के लिए तो ये स्थिति सही नहीं है कि बार बार अगर सरकार बदल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन बार बार अगर वो बदल रहे हैं तो ये ना बिहार के लिए अच्छा है, ना मतलब जो आगे चल के जो उनका नाम लिया जाएगा कि वो बार बार पार्टी को बदलते थे, तो वो सही नहीं है। लेकिन आगे चल के जो भी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, तो मेरा यही मानना है कि एक ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए बिहार में जो मेजोरिटी से आए, जिसका एक मतलब किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, जिससे विकास भी होगा और बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और जातिवाद पे राजनीति नहीं होना चाहिए, जातिवाद पे वोट नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, ठंड का मौसम है और सियासी गलियों में गर्माहट गूंज रही है, तो इस पर क्या कहना है, क्या लगता है? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि श्रीराम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, मोदी जी का तो भागोदय पहले भी था, अब और भागोदय उनका हो गया है, अब तो वो जो चाहेंगे वो श्रीराम करेंगे, सिंपल बात। अब जो श्रीराम चाह रहे थे वही हुआ है, सबसे पहले बिहार से ही शुरू हो गया है। बिहार में भी राम राजा गया है। हाँ बताइए सर, क्या बिहार में भी राम राजा आएगा, आने वाला है? हाँ आ ही गया, आ गया, हलचल चल रही है, आने वाला है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अगर जदयू का गठबंधन अगर आरजेडी से टूट रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि अगर वो बीजेपी के साथ सम्मिलित होता है तो उसका फ्यूचर है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद आपको क्या लगता है कि हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप करें चाहे हम करें चाहे कोई, वो करना ही करना है। और इससे क्या होगा कि जदयू का अस्तित्व मिट जाएगा, 40 सीट है यहाँ पे, 40 सीट में 40 सीट बीजेपी के खाते में गिर जाएंगे। तो कम से कम जदयू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ से गठबंधन तोड़कर और वो एनडीए के साथ गठबंधन करके अपना भविष्य को सही जगह पे रख रहा है, नहीं तो पता चलेगा कि जदयू के खाते में एक भी सीट ना आया एमपी का, और उसके बाद आपको पता है क्या होना है। तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, उस एग्ज़ाम्पल के तहत आप समझ जाइए क्या सही और क्या गलत है। आज गणतंत्र दिवस है, आज झंडा का कलर देखे हैं? झंडा का कलर में सबसे पहला रंग कौन होता है? भगवा। और सबसे निचला रंग कौन सा होता है? हरा। हरा, तो भगवा रंग आप समझिए कि बीजेपी है,
और जो जो हरा रंग है वो आप उसको आरजेडी मान लीजिए एग्जांपल उदाहरण के तौर पे, और बीच का जो झंडा है ना, बीच का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है, वाइट सफ़ेद, उसको आप मान लीजिए जदयू। अब ये आप देखिए कि ये दोनों कलर के बीच में रहता है, यानी ये दोनों के बीच में एक मतलब परिवर्तन के तौर पर रहता है और दोनों में सम्मिलित और समाहित रहता है। तो मेरा कंसर्न क्या है ना कि उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो कभी आरजेडी की तरफ मूव करता है, कभी वो बीजेपी की तरफ मूव करता है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। तो झंडे के हिसाब से हमने आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया कि इसको आप बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अब राजनीति ऐसी चीज़ है जो कभी कुछ भी हो सकता है। जदयू का पेट मिला हुआ है, नीतीश चाचा का नाम पहले नीतीश चाचा रखा गया, फिर पलटूराम रखा गया, अब इनका नाम महापलटूराम हो गया। अब घर वापसी है ना, अब इनका घर वापसी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। रही बात इलेक्शन की, तो 2025 में आरजेडी बिहार से बहुमत से अपना सरकार बनाएगा और ये पूर्ण विश्वास है हमें, है ना। यहाँ ना बीजेपी है ना जदयू, सिर्फ आरजेडी रहेगा बिहार में। तो इसको क्या सर्च करना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटिक्स के जो हमारे नीतीश चाचा हैं वो आलू हैं, वो बैंगन के साथ भी अच्छे लगते हैं, मटर के साथ अच्छे लगते हैं, टमाटर के साथ अच्छे लगते हैं। वो ऐसे इंसान हैं बिहार के लिए जो कोई भी सब्जी इनकम्प्लीट है उनके बगैर। बैंगन के साथ बरी मिला दीजिए, उसमें भी आलू चाहिए आपको, वो बाइंडिंग एलिमेंट है। तो उनका पुनः घर वापसी हो रहा है। भैया जैसे बोल रहे हैं बैंगन या एलिमेंट्स हैं, वो सीजनली हैं, वो सीजन में मिलेंगे, है ना। वो कहीं एडजस्ट करना जानते हैं अपने आप को। आलू जो है वो 12 महीना मिलता है, आलू परमानेंट, चाहे पहाड़ी खाओ। लोगों को आलू पसंद नहीं है, अब लोगों को बिहार में आरजेडी पसंद है। जिनको डायबिटीज है उन्हीं को आलू पसंद नहीं है। अगर बात रही आलू की, तो जब तक बिहार में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। क्या सोचता है बिहार का युवा राजनीतिक हालात? बिहार का युवा राजनीतिक हालात पे यही सोच रहा है कि अब जो राजनीतिक रहा यह राजनीतिक नहीं रहा, ये एक बिजनेस है। और इस बिजनेस में लोग कहते थे पहले जनता बिकती है, अब विधायक और मुख्यमंत्री बिक रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बिक रहे हैं, मंत्री बिक रहे हैं। हम लोग यहाँ पहले सब्जी सस्ता हुआ करता था और लिट्टी सबसे ज़्यादा प्रिय और सस्ता होता था। आज राजनीतिक हालात और राजनीतिक सस्ता है, और इस कदर सस्ता है कि अभी स्ट्रीट फूड की दुकान पर भी राजनीति की चर्चा हो रही है, जिसे राजनीति का आर भी नहीं पता है या पॉलिटिक्स का पी भी पता नहीं, वो भी आज राजनीति के बारे में चर्चा करते और अपने आप को एक नेता मानते हैं। अब नेता लोग भी इससे ज़्यादा हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ आप बताइए सर, क्या बोल रहे हैं? अब इतना ही बोलेंगे कि अब नेता लोग भी लिट्टी सेकने लगे हैं आम जनता के साथ। नो कमेंट्स। हम उसके पलटूराम है सर, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कौन पलटूराम? नीतीश कुमार, उसमें कोई अथी नहीं। बीन पेनी के लोटा है, जिसका बाप माँ का कोई ठिकाने नहीं है, ऐसा है वो। क्या सोचता है बिहार का युवा राजनीतिक हालात? क्या ही बोला जा सकता है इसमें, नीतीश कुमार दल बदल देते हैं। वही बात जो उन्होंने बोला कि कभी जब बीजेपी में थे तो मतलब आरजेडी में थे तो खराब थे, अभी अचानक से बीजेपी में आ गए तो कैसे मतलब कोई बंदा चेंज हो सकता है बताइए। कभी वो खराब हो जाते हैं, बीजेपी में आते ही अच्छा हो जाता है, ऐसे तो कोई मतलब नहीं ना हुआ। मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है। क्या कुछ लग रहा है सर, क्या हो रहा है? क्या राजनीतिक अस्थिरता से बिहार का पिछड़ रहा है। बिहार पिछड़ क्या होना चाहिए था? स्थाई सरकार होनी चाहिए, जो बार बार उलटफेर हो रहा है वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं, प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं। कहना क्या, बिहार में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। राजनीतिक परिस्थिति जो है इस सब पे नज़र तो रखे हैं। नहीं ठीक है, वो तो ग्राहक विचारों से पता लगता है। हाँ। बिहार में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बस जनता को कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा। ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, ठीक है, तब नीतीश कुमार वाज अ बैड सीएम। नीतीश कुमार एक खराब चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत लोग, मैं एक बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ, बहुत अंधभक्त हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अब नीतीश जी अच्छे हो गए। मेरा बहुत लोग से आपसे सबसे ये सवाल है कि नीतीश जी अचानक से अच्छे कैसे हो गए, जस्ट पार्टी बदलने के कारण। पार्टी बदलने से ना उनका मानसिक संतुलन चेंज हो गया होगा, ना कुछ डेवलपमेंट अचानक से एक दिन के अंदर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे चेंज हो गया वो।
जीवन भर जो है पढ़ाई के पीछे, काम के पीछे कुछ ना, लेकिन हर कोई इसमें रहा, अपने को छीनते चला गया। आप शादी नहीं की? शादी के लिए किया। ये हमारे जो वोट दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि अभी ये अपना होगा पहचान कार्ड आपका। देखिए बताते हैं, सच्चे का बोल वाला झूठे का मुंह काला। ना गाना गाते अभी, सुनी चंपा सुनी तारा, कोई जीता कोई हारा, आए बड़ा मजा आए आए सुनो मेरी पास, तू भी नाचे गाओ चलो पातारिया, और सुनी चंपा सुनी तारा, ओए तारा सत्ते गली में बड़ी माला, झूठो का तो मुँह हुआ काला, सच्चे गली में बड़ी माला, झूठो का तो मुँह हुआ काला, आज होगा तुझक मेरा तुमसे वो किनारा, सुनी चंपा सुनी तारा, कोई जीता कोई हारा।